आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ आइडिया हो जाएगा, यानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में आपको ये पता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो अपने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए हैं। जैसे हम बात करते हैं लिथियम से, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ तक बात कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, यहाँ पे प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स 3 हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ प्रोटॉन 4 हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स 5, क्योंकि एटॉमिक नंबर को ही प्रोटॉन्स कहते हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन लास्ट शेल में या वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। 6 न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स 2 एंड 4 3 एंड 4। 7 न्यूक्लियस में प्रोटॉन, फर्स्ट शेल में 2 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन क्या, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। ये सब पढ़ा होगा आपने, 8 1 2 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे फ्लोरीन के बारे में 9 एटॉमिक नंबर, 1 2 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यानी हम ये देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड जाने पर ये थोड़ा कार्बन का छोटा बन गया है, इसे छोटा मत समझिएगा, उतना ही बड़ा है, साइज पे आप मत जाइए। एटॉमिक नंबर 6 1 2 फिर 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये लेफ्ट से राइट जाने पे हमने कुछ एटम्स के स्ट्रक्चर बना दिए। वैलेंस शेल में आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, यहाँ वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है एंड यहाँ 7 है। तो ये बात आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो उनकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो ये जब आउटर मोस्ट शेल में पॉजिटिव चार्ज, सॉरी आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, सेंटर पे यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है प्लस, इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज होता है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो लेफ्ट से राइट जाने पे देखिए इंक्रीज़ हो रहा है। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, इससे प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा लेफ्ट से राइट जाने पर, वैसे वैसे इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। उस अट्रैक्शन फोर्स का नाम होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये इधर जाने पर बढ़ता है, यानी लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब बढ़ेंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज होगा। इस वजह से जो एटॉमिक रेडियाई है या जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होगी। बात समझ में आई? तो एटॉमिक रेडियस लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होती है? डिक्रीज होती है। दूसरी बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि अट्रैक्टिंग पावर, जो अट्रैक्टिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एटम की दूसरे इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट कर नहीं पा रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लेफ्ट से राइट जाने पे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इंक्रीजेस। अब बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की।
या आयनाइजेशन एनर्जी की या आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलिए, आयनाइजेशन एनर्जी बोलिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलिए, पोटेंशियल जो प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। देन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन परेशानी से निकलेगा। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ रही है यानी वहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, और यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज करेगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे है तो आपको बाहर निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। फिर बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर की। मेटैलिक नेचर, मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं यानी इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इजीली रिड्यूस होते हैं। जो ये जो एलिमेंट्स इधर रखे गए हैं पीरियोडिक टेबल में, एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उधर पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, आपने पढ़ रखा पहले से। तो ये जो हम लोग इधर वाले एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं और कैटायंस बना लेते हैं। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं वो मेटल्स होते हैं। इधर वाले इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनको बोलते हैं नॉन मेटल। जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ना तो डोनेट करते हैं ना ही गेन करते हैं, ये शेयरिंग करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिनको हम मेटलॉइड के कैटेगरी में रखते हैं। तो ये मेटल उधर नॉन मेटल, ये मेटलॉइड। तो लेफ्ट से राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो ये कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बेसिस पे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ एक टेबल पीरियोडिक टेबल बना के दे देंगे, उसमें ये एलिमेंट दे देंगे, कहेंगे आप बताइए इसमें से किसका एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा, या एटॉमिक साइज़ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो, या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो, एटॉमिक रेडियस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर होंगे। और जो चीज़ लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, अप टू डाउन ग्रुप में अप टू डाउन आने पर वो चीज़ इसका रिवर्स हो जाएगी, यानी एटॉमिक रेडियस अगर डिक्रीज कर रही थी लेफ्ट से राइट जाने पर, तो ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे 2 शेल हैं, यहाँ पे 3 शेल बन जाएंगी, फिर नीचे एक और शेल एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो अट्रैक्शन पावर कम होगी, अट्रैक्शन पावर कम होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर कम होता है तो अट्रैक्शन पावर कम होगी यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाएगी ऊपर से नीचे आने पर, रेडियस बढ़ जाएगी ऊपर से नीचे आने पर, इलेक्ट्रॉन और आसानी से निकलने लगेगा यानी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, और मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी होती है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जिनको आप पढ़ेंगे तो आपको जो कि पहला चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वो समझ में आएगा। थैंक यू।